घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में सत्ताधारियों के खिलाफ विरोधी पक्ष में बैठे हुए सभी पार्टियों की सभी दलों की कुछ अजीब हालत है, अजीब परिस्थिति है, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाइयां कई जगह पर चल रही। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ये नोटबंदी के बाद कि अब हमारा अगला हमला ये बेनामी संपत्ति पर होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वही तो कर रही है। इसे सारे विरोधी पक्ष के नेता बौखलाए हुए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो फंदा है वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इनके चपकले के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। वैसे हालात के अंदर, वैसे परिस्थिति के अंदर ये इलाज कराने विदेश जा रही हैं, जिनके बारे में ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि प्रियंका वाड्रा यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इनके साथ में जा रहे हैं। जनता में एक अजीब ही संभ्रम या भ्रम फैला हुआ है कि ये जा तो रहे हैं, क्या ये वापस आएंगे या ये भी फिर नीरव मोदी जैसे बाहरी बैठ जाएंगे या फिर विजय माल्या जैसे। ये तो एक विषय चल रहा है जनता के बीच में। इस विषय पर काफी सारी चर्चाएं हैं, बहस हो रही है, चर्चाएं हो रही है, अलग अलग तरह के तर्क वितर्क कुतर्क लगाए जा रहे हैं। उसी दौरान महाराष्ट्र के राजनीति में शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख हैं श्री उद्धव ठाकरे, इनके राइट हैंड माने जाने वाले, जी हां, विश्व प्रवक्ता संजय राउत, इनके बारे में बहुत ही अजीब जानकारी आ रही है। ये और इनके जो गॉडफादर, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होने की संभावना बताई जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो रेड की, जो जब्तियां की, जो कुछ जांच चली उसके अंदर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले खुद हैरान है। जो उन्हें जो कागजात मिले, जो सबूत मिले उनके पास, तो बाकायदा उन्हें कंप्यूटराइज डेटा मिला तैयार हुआ, इसके पास कितना गया, क्या लेन देन हुआ, क्या व्यवहार हुआ, क्या क्या गैर व्यवहार हुआ, यानी उन्हें ज्यादा कुछ छानबीन करने की आवश्यकता है। इस तरह से चित्र नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उसमें कुछ नाम कोड में लिखे हुए हैं, सिर्फ कोड यानी एसपी हो या कुछ और नाम हो, इस तरह से जिस तरह से नॉर्मली चिट्ठियों पर या डायरी में लिखा जाता था, उसमें एक नाम मिला है एसपी। अब ये एसपी कौन है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तो मुंबई में होता ही नहीं, वहां पर तो डीसीपी लेवल के अधिकारी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो एसपी कौन है? स्वप्ना पाटकर या फिर उनके पति सुजीत पाटकर? और ये व्यवहार की जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें कुछ लग रहा है कि इनके जो टीम यानी कि बीच अलीबाग के यहां जो इन्होंने जमीनें ली, ये तो एक और नाम मिला था यानी इनिशियल वी आर वर्षा राउत। अब ये जो पूरे व्यवहार की जानकारियां प्राप्त हो रही है उसे तो बहुत ही अजीब परिस्थिति दिखाई दे रही है। तो अपना पाटकर ये तो सरकारी दवा बन चुकी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में इन्होंने जाके अपना बयान, अपना स्टेटमेंट दर्ज करा चुके हैं। वो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर संजय राउत तो बुरे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जो व्यवहारिक पार्टनर बताए जाते हैं सुजीत पाटकर यानी स्वप्ना पाटकर के पति, जो कि दोनों विवाह हैं, उसका ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनके पर्सनल केस यानी डिवोर्स का केस किसी कोर्ट में मुंबई में, शायद बांद्रा कोर्ट में चल रहा है। वो विषय अपनी जगह है, लेकिन जो संपत्ति स्वप्ना पाटकर के नाम पे रखी गई थी और वर्षा राउत के यानी यही जमीने वगैरह इत्यादि, ऐसे पूरे हालात के अंदर ये कहा जा रहा है कि वर्षा राउत जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने तो जो जो बातें हैं उन्होंने तो सीधे सीधे बता दी, लेकिन जहां तक स्वप्ना पाटकर है वो तो खुद सरकारी गवाह बन चुकी हैं, वो अपना स्टेटमेंट बयान दर्ज करवा चुकी हैं। अब एक नई कार्रवाई हुई है सुजीत पाटकर के ऊपर, उनकी जो हेल्पलाइन हॉस्पिटल कुछ बताया जा रहा है उसके ऊपर एक एफआईआर यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का केस रजिस्टर किया जा चुका है मुंबई में। उनके साथ और कई सारे लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया है, अक्यूज बनाया गया है। ये पिछले तीन दिनों के अंदर की घटना है और ये बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि ये जो पतरा चौक के जो पैसे थे, क्या इन्हीं का उपयोग अलीबाग में इहिम में ये जमीनें खरीदने के लिए लिया गया जहां पर ये फार्म हाउस वगैरह इत्यादि बनाए गए, जो कि पोस्टल जोन रेगुलेशन एक्ट 1999 के खिलाफ थे यानी सीआरजेड
कानून के खिलाफ सीआरजेड 1990 माफ कीजिए। तो ये सब गैरकानूनी काम में क्या वही पैसे वापरे गए, उन्हीं का उपयोग किया गया, इस विषय में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी पूरी तरह से जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से सुजीत पाटकर पर मुंबई में केस रजिस्टर किया गया है और उनके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होने की संभावना है, ऐसे परिस्थिति में ये माना जा रहा है कि सुजीत पाटकर ये बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हैं, यानी ये जल्दी टूट करके पूरी जानकारियां देने की संभावना इनकी ओर से ये बताई जा रही है कि ये ज्यादा समय तक टॉर्चर या सवाल जवाब यानी क्वेश्चनिंग का टॉर्चर ये झेल नहीं पाएंगे। तो ऐसे हालात में आने वाले समय में ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि संजय राउत की तकलीफें तो बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि संजय राउत के जो गॉडफादर माने जाते हैं, उनके पॉलिटिकल गॉडफादर, राजनीतिक गॉडफादर, यानी उनके पार्टी के, जिस पार्टी के ये खुद प्रवक्ता, माफ कीजिए, विश्व प्रवक्ता हैं, उन्हीं के अध्यक्ष यानी पक्षाध्यक्ष शिवसेना के, क्या ये काज उन तक पहुंचती है, उन तक उनके ऊपर भी गिरती है, या इस सारे विवाद से श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के ऊपर भी कुछ आता है, यानी क्या ये आर्थिक हित संबंध या व्यवहार आतोश्री बंगले तक भी पहुंचता है या नहीं, इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच अभी भी शुरू है। ऐसे हालात में ये सभी को उम्मीद है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सही तरीके से यानी ईडी सही तरीके से और अच्छे तरीके से जांच करके जल्द से जल्द सख्त से सख्त और योग्य कार्रवाई इस सारे गैर व्यवहार के मामले में, बेनामी संपत्ति के मामले में या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा हो, यही सबको ज्यादा से ज्यादा उम्मीद और अपेक्षा है, यानी यही आज के जनता की मांग है। ये तो स्पष्ट रूप से सभी को मालूम है। ऐसे आने वाले हालात में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या काम करती है, क्या कार्रवाई करती है और उसकी जो भी जानकारी होगी, उसकी जो भी डिटेल होगी, वो तो हम आपके सामने हमेशा की तरह रखेंगे ही। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए, इस विषय में आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस विषय में भी आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत में सभी तक ये सारी जानकारियां सही स्वरूप में और सही रूप में जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये आपका विश्व भारती चैनल है, इसे आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।